वेलकम टू माय चैनल ऑल वर्ल्ड टेस्टी फूड। टेस्टी फूड में आज हम बना रहे हैं छोला फ्राई। इसे बहुत लोग सफ़ेद चना भी कहते हैं। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। पहले हमने सफ़ेद चना को 2 से 3 घंटा पहले भिगा दिया था। ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। इसे हम डालेंगे अब कुकर में। कुकर में डालकर ये बहुत जल्दी उबल जाता है। 1 सीटी ही लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। कुकर में डालने के बाद हम उतना ही पानी डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे कलर लाने के लिए थोड़ा सा फूड कलर। हल्दी नहीं डाल सकते, फूड कलर डालेंगे और नमक डालेंगे और पानी डालकर हम इसे 1 सीटी के लिए रख देते हैं गैस पर। 1 सीटी के बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गया है और ठंडा कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे पहले नमक, फिर डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर। इसके साथ ही हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। ये हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, मैंने 1.5 चम्मच डाला है। और इसमें हम डाल देंगे गरम मसाले के साथ भुंजा हुआ जीरा। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। अब इसे हम एक बार मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप एक बार नमक और मिर्च ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर कम लगे थोड़ा और डाल दीजिए। अब हम डालेंगे पहले इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालकर और थोड़ा सा हाथों में पानी लेंगे। इसे हम डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि एक अच्छी सी कोटिंग हो जाए हमारे चने पे। चने पे कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं डालेंगे, बहुत ड्राई रहेगा तो कोटिंग कम अच्छी होगी। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच चावल का आटा। और अब हम डालेंगे इसे ड्राई करने के लिए। पहले हम हल्का सा गीला कर देंगे, उसके बाद हम इसे ड्राई करके इसकी कोटिंग करेंगे। सारे चने पर बहुत ही अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी। आप इसे उठाकर बाउल अच्छे से इस तरह से कोटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगी और हमारे चने बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। आप जल्दी से फटाफट मुझे सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। लाइक तो आप ज़रूर कर दीजिए। अब मैंने चढ़ा दिया है अपने तेल को भी गर्म होने के लिए, क्योंकि हम 4 बजे का स्नैक्स में बना रहे हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। चाय के साथ ये मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। ये हमारा तैयार हो गया। अब चलते हैं हम इसे फ्राई करते हैं। आप देखिए बिल्कुल अलग अलग एक एक चना अलग अलग दिख रहा है। हम इसे उठाकर छन्ने से या स्पून से डालेंगे, क्योंकि तेल बहुत ही हॉट होना चाहिए। अगर नॉर्मल रहेगा तो ये जल्दी से फ्राई नहीं होएगा। एक साथ हम डालेंगे ढेर सारा चना और इसे हम पलटेंगे। ये बहुत जल्दी गर्मा गर्म तेल में फ्राई हो जाता है। ये हमारा फ्राई हो रहा है, हमने तो चाय भी रख दी है बनने के लिए। ये स्नैक्स तैयार हो जाता है बहुत जल्दी। आपका जब बनाने का मन करे फटाफट बनाइए और तुरंत ही सर्व कर दीजिए किसी मेहमान के सामने। बस आपके पास चने उबले हुए स्टोर होने चाहिए। आप इसे 2 से 3 दिन फ्रिज में रख सकते हैं चने को उबालकर। बाद में मसाले की कोटिंग करके आप फटाफट इसे सर्व कर दीजिए किसी के भी सामने। लोग ज़रूर खुश हो जाएंगे और आपको दुआएं देंगे। ये हो गया हमारा तैयार। अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं और फटाफट चाय भी निकाल लेते हैं। आप इसे चाय के साथ खाना पसंद करेंगे या कोल्ड ड्रिंक के साथ, फटाफट मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अब चलते हैं, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नई की चाट जो झटपट बनकर तैयार हो जाती है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है। अब चलते हैं हम इसे बनाते हैं। ये छोटी मोटी भूख के लिए हमारे इवनिंग स्नैक बेस्ट है। अब हम लेंगे अपने चने को। चना मैंने 2 घंटा पहले भिगा दिया था, ये बहुत ही अच्छे से सोख हो चुका है। इसमें हम डालेंगे बहुत सारी सब्जियां। अब हम लेंगे अपनी सारी सब्जियों को। ये हमने लिया है खीरा, ये आधी कटोरी खीरा है, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये प्याज है, ये भी आधी कटोरी है और इसे भी हमने बारीक बारीक अच्छे से काट लिया है। इसके साथ ही हम टमाटर को भी लेंगे, ये भी सेम क्वांटिटी में है, हमें सब बराबर मात्रा में लेना है। और इसके साथ हम डालेंगे गाजर को। गाजर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, हेल्दी के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और हम 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे बारीक बारीक काट कर, क्योंकि सारा कुछ बारीक रहेगा तो मज़ा आ जाएगा खाने में। अब इसे हम मिलाएँगे एक बार अच्छे से ताकि ये मिक्स हो जाए, कहीं कम कहीं ज़्यादा ना हो जाए। इसके बाद हम डालेंगे अपने मसालों को। मसाले डालने से पहले जल्दी से आप मुझे सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। अब हम डालेंगे इसमें सफ़ेद नमक, बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब इसके बाद हम डालेंगे काला नमक, ये हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम डालेंगे अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच है, बहुत ही थोड़ा वाला। और इसके बाद हम डालेंगे भुंजे हुए जीरे का पाउडर, ये मैंने 1 चम्मच डाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब जल्दी से लाइक तो बनता है। अब हम डालेंगे 1/2 नींबू। नींबू बहुत ही खट्टा होता है और चाट खट्टी ना हो तो मज़ा नहीं आता। 1/2 नींबू डालकर हम इसे फिर मिक्स करेंगे। हमारा इतनी जल्दी रेडी हो गया। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जल्दी जल्दी सर्व भी करेंगे और ये इतना हेल्दी होता है कि आप कभी भी इसे खा सकते हैं। आप इसे डाइट में भी ले सकते हैं और नॉर्मल तो आप ज़रूर खा सकते हैं। ये छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही अच्छा स्नैक्स है। अब जल्दी से आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। आप कभी भी बनाइए तो उसमें गाजर ज़रूर ऐड करिए। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे चाट मसाला, क्योंकि चाट मसाला अगर चाट में ना हो तो मज़ा नहीं आएगा। मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, बहुत ही ज़्यादा नहीं। एक बार आप इसे चख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं थोड़ा सा और मिर्ची ऐड कर दीजिए। ये हो गया हमारा तैयार। अब हम इसे सर्व करते हैं, क्योंकि
चटपटा देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। फटाफट आप भी अपने घर में बनाइए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये कैसा लगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।